क्योंकि गरीब आदमी जो रोज 10-20 रुपए कमाता है रिक्शा चला चला के, उसके लिए तो दिक्कत है ना। प्याज बहुत महंगा हो रहा है। कल मेरा बच्चा खरीदने के लिए गया था, 65 रुपए खरीद के लाया, शाम को आया तो पता चला कि 65 रुपए खरीदा है, उसे डांट ही पड़ा। टमाटर का रेट बढ़ गया था ना, वैसे अब इसको तिजोरी में ही रखना हम लोग प्रीफर करेंगे। कुछ दिनों पहले की बात है कि जो प्याज के दाम है वो कम थे, लेकिन जो फिलहाल का जो भाव है प्याज का दाम वो बढ़ चला है। यानी प्याज के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है और इजाफे होने के कारण जो है ग्राहकों की परेशानी बढ़ा डाली है। तो हम प्रवेश कर चुके हैं मंडी के अंदर और मंडी के अंदर का दृश्य है हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मंडी के अंदर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर सब्जी विक्रेता जो है अपनी दुकानों को सजाए हुए हैं और दूसरी तरफ जो है बड़ी संख्या में ग्राहक जो है खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आइए हम लोगों से भी जुड़ेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि लगातार प्याज के दाम बढ़ने से उनको क्या कुछ परेशानी हो रही है। क्योंकि तो गरीब आदमी जो रोज 10-20 रुपए कमाता है रिक्शा चला चला के, उसके लिए तो दिक्कत है ना। प्याज तो यहाँ के लोग ज़्यादा नॉन वेज भी खाते हैं, तो प्याज तो उसमें ज़रूरी होता है ना, इसलिए बढ़ना नहीं चाहिए। मेरा 48-50 ही बाजार खरीदारी कर रहे थे हम लोग, तो ऐसी लाले पड़ जा दिन से ना, एक बोरा डेढ़ बोरा बिकता है, ज़्यादा नहीं बिकता है, महंगा है ना। सस्ता रहता था तो 2-3 बोरा बिक जाता था, महंगाई ना एक बोरा डेढ़ बोरा खा ज़्यादा बहुत ज़्यादा। प्याज बहुत महंगा हो रहा है। कल मेरा बच्चा खरीदने के लिए गया था, 65 रुपये खरीद के लाया, शाम को आया तो पता चला कि 65 रुपये खरीदा है, उसे डांट ही पड़ा। आज हम खुद मार्केट में पता करना है तो पता चल रहा है कि 60-65 का, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। कहे डांट पड़े कि 250 ग्राम ले लेता, मैं कहे ले लिया। तो सब्जी खरीदना बहुत मुश्किल हो गया, परेशानी काफ़ी परेशानी हो रही है। अभी तो कार्तिक पूर्णिमा चल रहा है, अभी तो मटन चिकन वेज नॉन वेज भी कोई नहीं खा रहा है, तब वो इतना महंगा हो रहा है। वो भी कहता कि कुछ चलता था बहुत महंगाई महंगा हो गया, उसके चलते भी टमाटर का रेट बढ़ गया था ना, वैसे अब इसको तिजोरी में ही रखना भी हम लोग प्रीफर करेंगे। तो बढ़ने से कितना परेशानी होगी? परेशानी देखिए, टमाटर बढ़ा था तब भी हम लोग खा ही रहे थे, अब ये भी बढ़ गया था, उसको भी खाना ही पड़ेगा ना। तो प्याज के बिना तो हम लोग का काम तो चलने वाला है नहीं। तो प्याज के दाम बढ़ने से एक तरफ ग्राहकों को परेशानी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो है दुकानदार भी परेशान हो चले हैं, क्योंकि ग्राहक के अब जो जेब पर जो है वो भारी दबाव पड़ने वाला है। अब जेब जो है खाली हो रही है, क्योंकि प्याज को जो दाम है जिस तरह से बताया कि 50, 60, 65, 70 इस दाम में जो है सब्जी मंडी में जो है ये प्याज जो है लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो अन्य जगह मतलब रोड पे जो ठेले खोमचे लगते हैं उस समय जो है प्याज के दाम क्या होंगे, क्योंकि इससे जो है लोगों की परेशानी ये बढ़ गई है कि जब सब्जी मंडी का ये हाल है तो अन्य दुकानों का क्या हाल होगा। तो इस वक्त हम सब्जी मंडी से हम पूरा हालचाल हम दिखा रहे थे, खासकर प्याज के दामों को लेकर। तो क्या कुछ कमेंट है आपकी प्याज के दामों को लेकर, आप हमें कमेंट करें और देखते रहिए दर्शक